बुधवार को चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी ने अपनी पार्टी की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। पार्टी ने पंजाब सेक्युलर अलायंस नामक एक गठबंधन बनाया है। इसके संयोजक श्री चरणजीत सिंह आजाद होंगे, जो एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ काशीराम के भतीजे हैं। पंजाब सेक्युलर अलायंस के संयोजक श्री चरणजीत सिंह आजाद ने कहा, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी मजबूत गठबंधन बनाए जाने की घोषणा करना है और यह बताना है कि पार्टी लोगों के के लिए क्या करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी ने अपने अलग अलग एजेंडा की चर्चा की। संभावना हर जगह बनी होती है, जब आप मैदान में आते हैं तो हर किसी के लिए संभावना होती है। आप चाहे लाइन में आगे खड़े हैं या चाहे लाइन में पीछे खड़े हैं, तो हम भी इसी संभावना के साथ अब इस मैदान में उतरे हैं। और हमारे साथ जैसे जैसे हमने अभी 6 तारीख को हमने 6 मार्च को ही अलायंस लॉन्च किया है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और बहुत सारे जो संगठन और पार्टीज़ हैं उनके जो अलायंस में शामिल होने के फ़ोन आ रहे हैं। तो संभावना जो है वो आगे बढ़ती जा रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब के जो लोग हैं वो हमें एक्सेप्ट करेंगे और पूरी तरह से हमारा सहयोग भी करेंगे। हमें तन मन धन से जो जिताने का जो काम करेंगे पंजाब के लोग, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है जो और पार्टियों के पास नहीं है। हम लोग बिल्कुल धर्म और जाति से ऊपर उठकर अपने अलायंस को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल 13 की 13 सीट पंजाब में लड़ेंगे और 13 की 13 सीट हम जीत कर जो लाएंगे पंजाब से। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट।